What's up guys, Sanjot Keer here, welcome to IFL. दाल मखनी बना रहा हूँ आज और ये एकदम क्विक वाली दाल मखनी होने वाली है। साथ ही में फेस्टिव सीजन है, दिवाली आने वाली है, तो आपको एक गिफ्ट तो देना बनता है। तो इस वीडियो के एंड में एक गिव अवे अनाउंस कर रहा हूँ, सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। अब फेस्टिव सीजन में हम अपने फैमिली के लिए, अपने गेस्ट के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना पसंद करते हैं, लेकिन किचन में टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। बट आई फील कि अपने लव्ड वंस के लिए आप एक होलसम डिलिशियस मील बनाओ, उससे बेटर गिफ्ट नहीं हो सकती है, उससे बेटर फीलिंग नहीं आती है। इसीलिए ये जो दाल मखनी की रेसिपी ना, वैसे तो बहुत लंबा समय लग जाता है इसे बनाने में, लेकिन आज एकदम क्विक तरीके से आपको बता रहा हूँ, प्रेशर कुकर में ही ये दाल तैयार हो जाएगी। वो परफेक्ट टेक्सचर कैसे लाना है, वो एकदम क्रीमी दाल कैसे बने, वो परफेक्ट कंसिस्टेंसी कैसे आए, वो कलर कैसे अचीव हो, और साथ ही में वो एकदम डिलिशियस दाल कैसे बने, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो फटाफट आपके घर पे वो डिलिशियस वाली दाल मखनी आप बना पाओगे। और हमेशा आप मुझे पूछते रहते हो कि घर पर कुकवेयर कौन सा यूज़ करना चाहिए, कौन सा कुकवेयर बेटर होता है जिसमें आप हेल्दी तरीके से खाना बना पाओ, तो वो भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले दाल मखनी के लिए दाल को भिगोना है, सोक करना है, उसकी तैयारी कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो एक बड़े से बोल में एक कप होल उड़द दाल ले लो, छिलटे वाली, 1/4 कप राजमा और 2 टेबलस्पून चना दाल। अब इसके अंदर आपको पानी ऐड कर देना है और दाल को अभी अच्छे से वॉश करना है। दाल को वॉश कैसे करना है आप देख सकते हो, मैं कैसे दाल को रगड़ रहा हूँ अपने पाम्स के बीच में। इस तरीके से अच्छे से इसे वॉश करना है, वो जो होल उड़द दाल होती है ना, जो छिलटे वाली दाल हम यूज़ करते हैं, उस पे से रंग निकलता है, तो आपको अच्छे से इसे धोना है। और इसी तरीके से 3-4 पानी में आपको दाल को धो लेना है। ये आप देख सकते हो, एक बार ही मैंने धोया तो कैसे पानी जो है वो गंदा हो गया है। ये पानी को निकाल कर फिर से ये प्रोसेस कर लीजिए जब तक पानी क्लियर नहीं हो जाता है। तो ये आप देख सकते हो, मैंने इसे अच्छे से धो लिया है, पानी क्लियर हो गया है। एक बार आपने ये प्रोसेस कर लिया है तो अभी दाल को आपको 10-12 घंटे के लिए भिगोने रख देना है। 10-12 घंटे के बाद आप देखेंगे कि आपकी दाल अच्छे से सोख हो जाएगी। आप देख सकते हो दाल अच्छे से सोख हो गई है। तो सेम तरीके से 2-3 बार आपको इसी तरीके से दाल को फिर से धो लेना है जब तक कि पानी जो है वो क्लियर नहीं हो जाता है। तो आप देख सकते हो मैंने दाल को अच्छे से धो लिया है, पानी क्लियर हो गया है, दाल हमारी अच्छे से क्लीन हो गई है, इस पर एक शाइन भी आ गई, यानी कि हमारी दाल पकाने के लिए रेडी है। ये पानी को भी आपको डिस्कार्ड कर देना है दाल को पकाने से पहले। अब यहाँ पर मैं प्रेशर पैन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। अब दाल को पकाने के लिए दाल को ऐड कर लीजिए। अब इसमें 5 लहसुन की कलियाँ ऐड करनी है, साथ ही में पानी ऐड कर दीजिए। पानी का जो लेवल है वो 1 इंच दाल के ऊपर होना चाहिए। साथ ही में 1 टीस्पून नमक और साथ ही में 1 टीस्पून कश्मीरी या देगी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पर ढक्कन लगा दीजिए और 4 विसल्स के लिए हाई फ्लेम पर आपको दाल को प्रेशर कुक कर लेना है। तो यहाँ तक का प्रोसेस तो आपने देख लिया कितना क्विक और आसान है। जो दाल को वॉश और सोक करने का प्रोसेस है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो ब्लैक उड़द दाल होती है ना, उसके जो छिलटे के ऊपर से ना रंग निकलता है, तो इसके लिए हमने उसे 2 बार अच्छे से रगड़ कर धोया, सोक करने से पहले भी और सोक करने के बाद भी। उससे होगा क्या, आपकी दाल का रंग अच्छा आएगा जब ये पकेगी, और साथ ही में आपने नोटिस किया होगा जब दाल को पकाते हैं तो ऊपर एक वो झाग आ जाती है, वो एक स्कम का लेयर आ जाता है, वो भी फॉर्म नहीं होएगा और दाल आपकी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो वो जो प्रोसेस है ना, उसको अवॉइड मत करना। बाकी कुकिंग का तो जो प्रोसेस है, दाल को यूजुअली दाल मखनी के लिए खुले बर्तन में हम कई घंटों तक पकाते हैं, तो वो वाला प्रोसेस हमारा सिर्फ 4 विसल्स में हो जाएगा एकदम फटाफट। साथ ही में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो ब्लैक उड़द दाल है ना, वो अच्छी क्वालिटी की यूज़ कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है एक अच्छी दाल मखनी के लिए। तो बेस्ट क्वालिटी दाल आपको यूज़ करनी है। अब अच्छा और हेल्दी खाना बनाने के लिए अच्छे क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करना तो बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन उतना ही ज़रूरी है सही कुकवेयर भी यूज़ करना। ऐसा कुकवेयर जो अच्छे मटेरियल से बना हो, जो फूड सेफ हो, ताकि जब उसमें खाना आप बनाएं तो उसमें से टॉक्सिन्स और केमिकल्स रिलीज ना हो। मिल्टन एक ऐसा ब्रांड है जिसे हम सालों से ट्रस्ट करते हैं उनकी अच्छी क्वालिटी की वजह से, और मिल्टन प्रोकुक का कुकवेयर रेंज वैसे ही बेस्ट फूड ग्रेड मटेरियल से बनाया जाता है, एंड यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि इसमें पकने वाला खाना बिल्कुल हेल्दी बनेगा। मिल्टन प्रोकुक ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील कुकवेयर हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, जिसमें खाना बनाना एकदम हेल्दी और सेफ है। 3-layered सरफेस इवन कुकिंग इंश्योर करता है, जिससे खाना कहीं जलता नहीं है और न्यूट्रिशन वैल्यू इंटैक्ट रहता है। आज आपने देखा होगा कि मैंने अपने मिल्टन प्रोकुक प्रेशर पैन को यूज़ किया है, जो एक वर्सेटाइल प्रेशर कुकर है जिसे आप पैन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इस ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील सीरीज में ना सिर्फ प्रेशर पैन
बल्कि फ्राई पैन्स, कढ़ाईज और कई सारे कुकवेयर ऑप्शंस मिल जाते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको मिल्टन प्रो को कुकवेयर गिफ्ट करने वाला हूँ, सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। अब चार विसल्स हो गई हैं, चार विसल्स के बाद हमारी दाल को चेक कर लेते हैं कि वो कैसे पकी है। एक बार आपने दाल को पका लिया है तो स्टीम को नेचुरली आपको निकलने देना है, फिर आपको विसल को चेक कर लेना है और फिर ही ढक्कन को खोलना है। ढक्कन को खोलकर चेक कर लेते हैं, तो ये आप देख सकते हो हमारी दाल जो है अच्छे से पक गई है। आप कलर भी देख सकते हो कितना अच्छा आ गया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो दाल भी अच्छे से पक गई है, राजमा भी हमारी एकदम अच्छे से गल गई, अच्छे से पक गई है। आपको गार्लिक भी दिखा देता हूँ, जो लहसुन हमने ऐड किया था वो भी आप देख सकते हो कैसे इजीली मैश हो रहा है। तो इसी कंसिस्टेंसी तक आपको दाल को पका लेना है। अब यहाँ पर आपको एक टिप दे रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ। आपके पास पोटैटो मैशर होता है ना, जो पाव भाजी के लिए यूज़ करते हैं, उसे ले लीजिए या एक करछी ले लीजिए जिसमें एक फ्लैट बॉटम हो, और उससे इस तरीके से आपको दाल को मैश करना है। दाल को मैश उतना ही करेंगे कि जो राजमा है, गार्लिक है, वो सारी चीज़ें थोड़ी मैश हो जाएं, और हल्की हल्की जो चना दाल थी और उड़द दाल थी वो थोड़ी थोड़ी मैश हो जाए। बाकी की जो उड़द दाल है ना वो थोड़ी खड़ी रह जानी चाहिए। पूरा कम्प्लीटली इसको पेस्ट नहीं बना देना है, ये ध्यान रखना, बस हल्का हल्का मैश करना है। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से इसे मैश कर रहा हूँ। इससे भी क्या होगा ना, हमारा कुकिंग प्रोसेस फास्टर हो जाएगा कि जो दाल है उसमें से स्टार्च रिलीज हो जाएगी और दाल को हम और फास्ट पका पाएंगे। तो आप देख सकते हो दाल की कंसिस्टेंसी और टेक्सचर कैसा हो गया मैश होने के बाद। इसी तरीके से आपको दाल को मैश कर लेना है। अब इस दाल को हम एक दूसरे बोल में ट्रांसफर कर लेंगे तड़का बनाने से पहले। अब दाल का तड़का बनाने के लिए मैं सेम प्रेशर पैन को पैन की तरह इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब इस पैन के अंदर आपको 3 टेबलस्पून मक्खन ऐड करना है, 1 टीस्पून तेल ऐड कर दीजिए कि मक्खन जले नहीं। जो आपका पैन होगा ना उसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कर लेना है मक्खन ऐड करने से पहले, बस मक्खन को मेल्ट करना है, मक्खन को यहाँ पर जलाना नहीं है। एक बार मक्खन हल्का सा मेल्ट हो जाए तब इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करनी है। अदरक लहसुन की पेस्ट को भी अच्छे से स्टर करते हुए आपको 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो निकल जाए। अदरक लहसुन को भूनने के बाद फ्लेम को लो कर दीजिए। मक्खन एक बार हल्का सा मेल्ट हो जाए तब इसमें 2 टेबलस्पून कश्मीरी या देगी मिर्च पाउडर ऐड करना है और 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड करना है। मैंने खड़े मसाले नहीं यूज़ किए हैं इसलिए थोड़ा सा गरम मसाला यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। और कश्मीरी और देगी मिर्च रंग बहुत अच्छा देती है हमारी दाल को, वो दाल का जो रंग है ना वो इसी मिर्च से आएगा। अब अच्छे से स्टर कर लीजिए, लगभग 1 मिनट के लिए आपको लो फ्लेम पर ही मिर्च को भी हल्का सा पका लेना। अब इसके अंदर अभी टमाटर की प्योरे डालनी है। यहाँ पर मैंने 5 टमाटरों को पीस लिया था, छिलके विलके कुछ नहीं निकालने, डायरेक्टली पीस लीजिए और ऐड कर दीजिए। 1 चुटकी नमक डाल दीजिए कि टमाटर को हम आसानी से पका पाएं। अब स्टर करते हुए आपको टमाटरों को अच्छे से पकाना है जब तक टमाटर पक जाएं और इस मसाले में से वो बटर और जो तेल है ना वो सेपरेट हो जाए। अब 4-5 मिनट कुक करने के बाद आप देख सकते हो हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से पक गए हैं, वो जो बटर है और तेल है वो भी अलग हो चुका है, हमारा मसाला जो है वो पक चुका है। अब इसके अंदर हमने जो दाल पका कर रखी थी वो दाल को ट्रांसफ़र कर लेना है। दाल को ट्रांसफ़र करने के बाद मसाले के साथ अच्छे से दाल को मिला लीजिए। आप देख सकते हो टमाटर और लाल मिर्च की वजह से कलर कितना अच्छा आ गया हमारी दाल के अंदर, ऐसा ही कलर होना चाहिए दाल मखनी का। इसको हम जब आगे फर्दर कुक करेंगे तो और इसका कलर बेटर हो जाएगा। तो मैंने अच्छे से मसाले और दाल को यहाँ पर मिला लिया है। आप देख सकते हो दाल की कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ी है, लेकिन हमको दाल को और 20-25 मिनट के लिए कम से कम पकाना है, तो इसकी कंसिस्टेंसी को पहले हम पतला करेंगे। तो यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से गर्म पानी ऐड करना है और जैसी कंसिस्टेंसी यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ उतना दाल को आपको पतला कर लेना है। तो आप देख सकते हो दाल की कंसिस्टेंसी को कैसे पतला कर लिया है। अब दाल को टाइम मिल जाएगा पकने के लिए, मिनिमम 20 से 25 मिनट आपको दाल को पकाना है। जब आप दाल को पकाओगे तो ये फिर से गाढ़ी हो जाएगी। तो हाई फ्लेम पर इस दाल को पहले एक बॉइल पर ले आइए। एक बार जब इसमें हल्का सा बॉईल आ जाए तो फ्लेम को लो कर दीजिए या मीडियम लो पर कर दीजिए और 20 से 25 मनट के लिए मिनिमम आपको दाल को पकाना है, बीच बीच में स्टर करते हुए। कंटिन्यूसली स्टर नहीं करना है, बीच बीच में स्टर करते रहिए और इस दाल को पकाइए। थोड़ा सा और पका लेंगे तो और बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, बट मिनिमम 20 to 25 मिनट्स आपको दाल को ज़रूर पकाना है। इस प्रोसेस में होता क्या है, दाल के अंदर स्टार्च काफ़ी होती है, तो जैसे हम दाल को और पकाते हैं तो वो और स्टार्च रिलीज़ होती रहती है। तो हमने पहले प्रेशर कुक तो कर ही लिया था, इसको साथ में मैश भी कर लिया था तो वो स्टार्च निकल गया था। अब इस स्टेज पर वो स्टार्च जो है और घुलेगा, वो कंसिस्टेंसी जो है आपकी दाल की और बेटर होगी और दाल का जो टेक्सचर है ना वो एकदम क्रीमी हो जाएगा। तो बस यही है, सिंपल सा तरीका है, 20 से 25 मिनट इसको पकने दीजिए और आप देखेंगे एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी और एकदम परफेक्ट टेक्सचर हमारी दाल में आ जाएगा। तो अब लगभग 25 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हो दाल का रंग भी जो है थोड़ा सा और गहरा हो गया है,
और ये काफ़ी गाढ़ी भी हो गई है, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी यहाँ पर अचीव हो गई है। आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी हमारी दाल की कैसी है। अब इस स्टेज पर यहाँ पर 4 से 5 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड करनी है, एक लार्ज चुटकी भुनी हुई कसूरी मेथी का पाउडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक लार्ज चुटकी गरम मसाले का पाउडर ऐड कर दीजिए। साथ ही में 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पर मक्खन ऐड कर लीजिए। आपको अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लेना है। रेस्टोरेंट्स में तो इससे बहुत ज़्यादा फ्रेश क्रीम और बहुत ज़्यादा मक्खन यूज़ होता है, हमने तो फिर भी काफ़ी कम यूज़ किया है, बट मक्खन और क्रीम की जो क्वांटिटीज हैं आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से मिला लिया अभी सारी चीज़ों को। आप कंसिस्टेंसी भी देख लो, टेक्सचर भी देख लो, ग्लेज आ गया हमारी दाल में वो मक्खन और क्रीम की वजह से, और एकदम परफेक्ट शक्ल आ गई है इस दाल की। अब इस स्टेज पर आपको दाल को टेस्ट कर लेना है नमक के लिए, क्योंकि मक्खन काफ़ी हम डालते हैं तो नमक बहुत ज़्यादा इनिशियली आपको डालना नहीं है। इस स्टेज पर टेस्ट कर लीजिए और नमक को एडजस्ट कर लीजिए। और ये आप देख सकते हो कि हमारी एकदम डिलिशियस वाली क्विक वाली दाल मखनी रेडी हो गई है। लेट्स प्लेट इट YFL स्टाइल। मज़ा आ गया आज ये दाल मखनी खाने में, इतनी रिच, इतना क्रीमी टेक्सचर, और क्या टेस्ट आया है। रंग भी आपने देखा एकदम बढ़िया आया हमारी दाल मखनी का। साथ में लच्छा तंदूरी पराठा बनाया था और जीरा राइस बनाए थे, मेरे फैमिली को भी वैसे ही पसंद है, और ये वाली दाल के साथ ना तंदूरी रोटी या लच्छा पराठे का ही मज़ा आता है। तो इसी तरीके से आप एकदम क्विक और आसान तरीके से अपने घर पर ये दाल मखनी आप बना सकते हैं, मैंने आपको बता दिया पूरा प्रोसेस। अब आ जाते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे, और एक जो है हमारा आज का गिव अवे। गिव अवे में मैं आज 5 लकी व्यूअर्स को मिल्टन प्रोको ग्रेनिटो फ्राई पैन में गिफ्ट करने वाला हूँ। मिल्टन प्रोको ग्रेनिटो कुकवेयर इनकी नॉनस्टिक कुकवेयर सीरीज है, जिसमें 5 लेयर फूड सेफ ग्रेबलॉन कोटिंग है, विच इंश्योर्स कि आपके खाने में टॉक्सिन्स और केमिकल्स लीच आउट ना हो। अब इस गिव अवे में पार्ट लेना बहुत आसान है, 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, आपको योर फूड लैब और मिल्टन प्रोको के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगा। स्टेप 2, आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, और स्टेप 3, इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है कि अगर मैं आपको ये मिल्टन प्रोको ग्रेनिटो फ्राई पैन गिफ्ट करूं तो आप इसमें पहली रेसिपी कौन सी बनाओगे। बस ये 3 आसान से स्टेप्स हैं एंड यू विल बी इन दिस गिव अवे, तो जल्दी से जल्दी ये 3 स्टेप्स कर लो। एंट्रीज ओपन है 10 नवंबर रात को 12 बजे इंडिया टाइम, और आप इंडिया से ही पार्ट ले सकते हो। 12 नवंबर को दिवाली वाले दिन मैं विनर्स अनाउंस करूंगा बाय रिप्लाइंग टू योर कमेंट्स, सो कीप एन आई ऑन दैट। आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी योर एंट्रीज। टू गेट द परफेक्ट टेस्ट वाइल कुकिंग हेल्दी, गो फॉर मिल्टन प्रो कुक एंड कुक लाइक अ प्रो। क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और विजिट योर नियरेस्ट स्टोर टू चेक आउट द मिल्टन प्रो कुक कुकवेयर रेंज। जल्दी से जल्दी बनाओ ये रेसिपी अपने घर पर और इन्जॉय करो, साथ में गिव अवे में भी जल्दी से जल्दी पार्ट ले लो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटिफुल क्विक दाल मखनी रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।